अच्छा 15-20 आदमी उसे तसल्ली करके उसी गांव में बनियाणी में हाँ जी हाँ जी। जब इस भैंस को लेके आए जी, तो पिछले इलेक्ट्रिशन ने क्या कुछ मिल्क इसका को दूध का रिकॉर्ड जी 26 किलो का जी। बताएं पर्पज के लिए भी बढ़िया है। हाँ जी हाँ जी दूध वाले के लिए बढ़िया जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कहने को तो कह देते हैं 26 किलो दूध वैसे नहीं होता भाई। हाँ हाँ और वो से अपनी किस्मत है जी, दूध और पूत किस्मत के होते हैं। हाँ जी बिल्कुल राइट होते बात हैं। है। हाँ लेकिन जी पूरी डिटेल लेके जब इसको पैसे लगाए जब लेके आए ठीक है जी। ठीक प्राइस क्या कुछ रहेगा इसका? 55,000 रुपये। 55,000 रुपये हाँ जी मात्र 55,000 रुपये में जो गैबिन भी और प्रेजेंट में जो कि दूध है वो दे रही है। सभी पशुपालक भाइयों को आपके अपने YouTube चैनल साहिल डेयरी फार्म की तरफ से नमस्कार। दोस्तों वीडियोज के माध्यम से अच्छी और बेहतरीन किस्म का मुर्रा पशुधन दिखाने का प्रयास और उसी प्रयास को बढ़ाते हुए हमारी जो कवरेज है ज़्यादातर जो व्यापारी वर्ग के भाई हैं वहाँ से होती है और हमारा प्रयास रहते हैं जो आम फार्मर है उनका भी जो कि पशुधन है आप लोगों को दिखाया जाए और हमारा प्रयास रहता है कि आप लोगों को वीडियोज के माध्यम से अच्छा पशुधन कहीं ना कहीं से दिखाया जाए और उसी प्रयास को बढ़ाते हुए आज की हमारी जो कवरेज काफ़ी सोशल मीडिया के काफ़ी जाने माने चेहरे हैं और रोहतक जिले से आज हम आपके लिए काफ़ी शानदार से शानदार जोटियों की वीडियो लेके आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से काफ़ी पशुपालक भाई हैं जो दूध का काम करते हैं उनके मेरे पास फ़ोन भी आ रहे थे कि भाई मिल्क लाइन की अच्छी फैलो उसकी वीडियो बनाएं हम दूध का काम करते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी आज की वीडियो में जो आप जो स्क्रीन पर जो आप जोटियाँ देख पाएंगे काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ज़्यादा ना टाइम लेते हुए जो आप स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं काफ़ी सोशल मीडिया के काफ़ी जाने माने चेहरे हैं इन जोटियों की डिटेल्स लेंगे और सबसे पहले हम जो कि एड्रेस आप लोगों को बताना चाहेंगे। तो चलिए चलते हैं सर के पास और इन पशुओं की डिटेल्स लेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई जी कैसे हो भाई साहब? ठीक है भाई जी। भाई सबसे पहले शुभ नाम बताएं। प्रदीप हुड्डा भाई साहब। प्रदीप हुड्डा पहले आप अपना एड्रेस बताएं। हमारा एड्रेस है जी गांव साइंगी। हाँ जी जिला रोहतक। जिला रोहतक तहसील रोहतक। तहसील रोहतक हरियाणा। हरियाणा और रोहतक से हम जानते कि शुरुआत से जो कि एक से एक जो मुर्रा की जो शुरुआत हुई थी वो रोहतक से हुई थी और उसी रोहतक जिले में से जो आज हम जो कवरेज कर रहे हैं काफ़ी काफ़ी अच्छे मिल्क लाइन की फैलो की वीडियो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो सर आज की वीडियो में हमारे से आप कितने पशु दिखाएंगे? आपको जी 3 पशु दिखा रहे हैं। 3 पशु दिखाएंगे जिसमें 3 तोता जी भाई जी। अच्छा और एक है गैबिन जी गैबिन बाखड़ी है। हाँ जी और मार्क... एक वैसे है जी 1.25 महीने की है प्रेग्नेंट नहीं है जी। अच्छा अच्छा दूध दे रही है जी 12 लीटर दूध है जी। अच्छा 12 लीटर दूध है नीचे कटड़ी है नीचे कटड़ी है। हाँ जी 5 पशु दिखाने हैं आज। अच्छा ठीक है तो ये देख सकते हो 5 आज की वीडियो में आप लोगों को जो कि 5 पशु हैं वो दिखाना चाहेंगे। बाखड़ी भैंसों की काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हमें डिमांड है वो देखने को मिल रही है तो आज की वीडियो में आप इस वीडियो में जो देख पाएंगे ताज़ा और जो बाखड़ी भैंसे भी देख पाएंगे। तो शुरुआत करें पहले नंबर से जो सर इसके डिटेल्स बताएं। ये जी दूसरे ब्यात में है। दूसरे ब्यात में है। हाँ जी हाँ जी ये जी कल खीस से खाली हुई है जी। कल खीस से खाली हुई है। हाँ जी हाँ जी हाल घड़ी में इसका जी 10 लीटर तैयार है जी। 10 किलो दूध तैयार है प्रेजेंट में खीस से जो कि कल खाली की है और प्रेजेंट में बता रहे हैं कि 10 किलो जो कि मौके पर जो कि दूध है वो तैयार है। और बात करें इस जोटी की जो क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सिंग की क्वालिटी हेड की क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसके लिए बिल्कुल नया हूँ और जो मेरे प्रति जो इसमें सांस वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल कन्नेदार सिंग। और बात करें जो थनों में जो स्पेस है ये देख सकते हो बिल्कुल मुठियाकार के थन और सेकेंड टाइमर जोटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है फर्स्ट और सेकेंड टाइमर जोटियों की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो भाई साहब कल ब्याई हुई कितने दिन की? फिलहाल ये जी 4 दिन की हुई है। 4 दिन की ब्याई हुई, कल ही खीस से खाली। तो साथ में क्या है? नीचे कटड़ा है जी। नीचे कटड़ा है जी। ठीक है, तो इसका प्राइस क्या कुछ रहेगा बताइए? इसका प्राइस 1,22,000 रूपए। 1,22,000। तो भाई साहब इसको एक बार चला के दिखाए। 1,22,000 में और मात्र 4 दिन की ब्याई हुई में 10 किलो जो की दूध प्रेजेंट में तैयार है वो बता रहे हैं। और जोटी की क्वालिटी की बात करें तो आप ये देख सकते हो, लंबी गर्दन और जो सिंगों की बनावट है ये देख सकते हो, काफी काफी सुंदर। और जो चमड़ी है बिल्कुल पतली चमड़ी का आप यहाँ पे जो पशुधन देख पा रहे हैं। और बात करें इसकी अदर क्वालिटी की तो ये देख सकते हो, काफी शानदार और लंबा चौड़ा अडर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और आज जो कि खीस से खाली करते ही जो आप इसमें क्षणों में जो स्पेस है और जो जोश आप इसमें देख पा रहे हैं काफी शानदार। इसका प्राइस रखा 1,22,000 रुपये और साथ में मेल काब। ठीक है भाई साहब, बांध दो इसको। 1,22,000 में सेकंड टाइमर जोटी और प्रेजेंट में 10 किलो दूध तैयार है। तो भाई साहब जो दूसरे नंबर पर इसके और डिटेल्स बताएं। आ जाओ, ये देख सकते हो काफ़ी हाइट और लेंथ काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और इतनी हाइट लेंथ का हमें पशु कभी कभी देखने को मिलता है। सर बताएं इसकी डिटेल्स बताएं। ये जी तीसरे ब्यात में है। तीसरे ब्यात में है। 5 दिन की ब्याई है जी। 5 दिन की ब्याई हुई है। इसके नीचे 12 किलो तैयार है जी। 12 प्लस है। 12 प्लस है। फिर भी मैं 12 ही कह रहा हूँ। 12 ही कह रहे हैं जी। तो दोस्तों देख सकते हो थर्ड टाइमर। और बात करें जोटी की जो हाइट और लेंथ है, विरले ही किसी किसी जोटी में इतनी हाइट और लेंथ हमें देखने को मिलती है। ये देख सकते हो भाई साहब की जो की हाइट से भी जो की आप अंदाजा लगा सकते हैं, फुल जो बॉडी वेट के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और प्रेजेंट में 12 प्लस जो कि दूध तैयार है, 5 दिन की ब्याई हुई है। और साथ में क्या भाई साहब? नीचे कटड़ी है। नीचे कटड़ी है। हाँ जी। नीचे कटड़ी है। और मत्थे में जो आप यहाँ पे जो फूल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये देख सकते हो, जो बातें वो सुस्पष्ट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और जितने भी हमने बाइके डेयरी फार्म से जो कवरेज है वो देखी है, हर पशु में जो क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। तो भाई साहब क्या कुछ दूध की उम्मीद कर सकते हैं हम इससे? इससे जी पिछले टाइम ही है ना 16 निकाल रही थी। अच्छा, 16 किलो दूध। हाँ जी, पिछले लैक्टेशन में था। पिछले लैक्टेशन में था जी, सेकंड में। सेकंड लैक्टेशन में। की बार ज्यादा नहीं तो 18-19 की तो उम्मीद है जी। अच्छा, 18-19 किलो दूध की उम्मीद है। हाँ जी, तो ये देख सकते हो 18-19 किलो दूध की उम्मीद है। और बात करें इसकी जो अडर क्वालिटी है ये देख सकते हो, ताजा जो की सुई हुई है। और ताजा सुई हुई में जो अडर क्वालिटी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो थनों में जो स्पेस है लग रहा है जी। और ये देख सकते हैं जो साफ साफ जो मिल्क वेन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो साफ साफ जो एक दुधारू पशुधन की जिसे पहचान जिसे कहा जाता है ये देख सकते हो, बिल्कुल मुठियाकार के थन है। और जो अडर में जो जोश हमें यहाँ पे देखने को मिला वो काफी शानदार। तो भाई साहब इसको एक बार चला के दिखाएं। फुल हाइट और लेंथ का पशु है, विरले ही किसी किसी जोटी में इतनी हाइट और लेंथ हमें देखने को मिलती है। और जो अडर क्वालिटी है वो भी काफ़ी शानदार है। 12 प्लस जो कि साथ में दूध है वो बता रहे हैं। और हाइट और लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, भाई की हाइट से जो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जोटी की कितनी हाइट हो सकती। काफ़ी हमें इतनी कवरेज हम करते आ रहे हैं, इतनी हाइट और लेंथ का कभी कभी हमें जो कि पशुधन है वो देखने को मिलता है। और हाइट और लेंथ हो काफ़ी शानदार। सिंगों की बनावट मैं आप लोगों को पास से कवर करके दिखाना चाहूँगा, भाई डट के रखें बच्चे के लिए उत्सुक। हाँ हाँ, चलो कोई नहीं, ये देख सकते हो जो शांत स्वभाव हो मेरे प्रति वो काफ़ी अच्छा है। जितना विशाल का ही शरीर है उसको देखते हुए जो इसमें शांत स्वभाव है किसी किसी पशु में हमें देखने को मिलता है। तो भाई साहब प्राइस क्या कुछ रहेगा इसका? 1,30,000 रुपये। 1,30,000 रुपये में। 1,30,000 में 18-19 किलो दूध की भैंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, फुल हाइट और लेंथ में। तो भाई साहब जो तीसरे नंबर पर इसके और डिटेल्स बताएं बताएं। ये देख सकते हो काफ़ी बॉडी वेट का जो शरीर आप इसमें देख पा रहे हैं, विशाल का है, हाइट और लेंथ है वो काफ़ी शानदार है। ये देख सकते हो। तो भाई साहब इसके डिटेल्स बताएं कौन से लैक्टेशन में? ये जी वैसे कहने को तो तीसरे में थे जी। हाँ जी हाँ जी, मैं फिर भी चौथे में कह रहा हूँ जी। अच्छा, अपना अपना नजरिया होता है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई तो तीसरे मान लेता कोई चौथे मान लेता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये जहाँ से लेके आए हैं जी। हाँ जी, बनियानी गांव से लेके आए जी। हाँ जी, बनियानी गांव से। हाँ जी, बनियानी गांव से, जो रोहतक में पड़ता है जी। हाँ जी, रोहतक में पड़ता है। वहाँ पे रिकॉर्ड इसका बहुत बढ़िया था जी। अच्छा, 15-20 आदमी उसे तसल्ली करके उसी गांव में बनियानी में। हाँ जी हाँ जी, जब इस भैंस को लेके आए जी। तो पिछले लैक्टेशन में क्या कुछ मिलता? इसका दूध का रिकॉर्ड जी 26 किलो का जी। कहीं रिकॉर्ड हुआ था या फिर घर पे देते? नहीं, घर पे था जी। और वहाँ भी अड़ोस पड़ोस में पता करके 15-20 आदमी उसे तहकीकात करके जब इसकी इसको लेके आए जी। अच्छा ठीक है, तो ये देख सकते हो पिछले लैक्टेशन में जो कि दूध है वो 26 प्लस रहा है। और बात करें जोटी की जो क्वालिटी है आज की तारीख में बिल्कुल कन्नीदार, आप यहाँ पे जो सींग देख पा रहे हैं बिल्कुल शरीर पर बिल्कुल जचता हुआ,
तो भाई साहब अब की बार फोर्थ लैक्टेशन में मान सकते हैं। हाँ जी फोर्थ लैक्टेशन में, कहने को तीसरे में भी चल जाए लेकिन फोर्थ में है जी। फोर्थ लैक्टेशन में है तो प्रेजेंट में कितने दिन की भी आई हुई है? ये जी खीसे वगैरह आधी खाली करी, आधी बच्चा वापस खाली होगी। अच्छा अब खाली होगी शाम के टाइम, शाम को खाली करेंगे जी। तो ब्याई कब थी भाई साहब बताइए? भाई साहब परसों की ब्याई हुई, शाम की, परसों शाम की ब्याई हुई है। तो साथ में क्या भाई साहब? कटड़ा जी, साथ में कटड़ा। मैं आप लोगों को पास से कवर करके दिखाना चाहूंगा, तो भाई साहब इसका एक बार सूंड दिखाएं जरूर। हाँ जरूर जरूर दिखाएंगे जी। ये देख सकते हो, ए बेटा खड़ा हो जा। हम आपको जो बातें जो सुस्पष्ट आपको इसमें देखने को मिलेगी, ये परसों शाम को ब्याई, परसों शाम को जो कि बच्चे को जन्म दिया है आप इसमें देख सकते हैं। जो साथ में जो सूंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब अब तक इसमें कितना खीस निकाल सके हो आप? अब तक इसमें मेरे ख्याल से जी 7-8 किलो निकाल दिया। 7-8 किलो जी। अच्छा ठीक है जी। तो एक बार इसको चला के दिखाएं, तो ये देख सकते हो विशाल का जो अडर क्वालिटी आप इसमें देख पा रहे हैं, और ब्रीडिंग के लिए काफी अच्छी रहेगी। जैसे कि जो आप यहाँ पे मेल काफ है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ ही टैल में व्हाइट बाल हैं, और जो काफी भी वो काफी शानदार है। ये देख सकते हो काफी पशुपालक भाई काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे दूध के, पशुधन की, जो अपने घर के लिए जो दूध का काम, स्पेशली जो दूध का काम करते हैं उनकी काफी ज्यादा दिनों से जो डिमांड थी दूध की बैच की। तो आप इसमें जो अडर क्वालिटी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों को पास से कवर करके दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हो नाभि से लेके जो पीछे टैल है वहां तक का जो अडर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, खीस से खाली अब भाई साहब इसको कर देंगे। और जो पिछले लैक्टेशन का जो मिल्क रिकॉर्ड रहा है वो 26+ का है। ये देख सकते हो काफी शानदार। तो भाई साहब इसका क्या कुछ रेट रहेगा? इसका जी 1.5 लाख रुपए जी भाई, 1.5 लाख रुपए। तो ये देख सकते हो 1.5 लाख रुपए हम मान सकते हैं कि पैसा वसूल जो टी अच्छी खासी रहेगी, और आने वाले टाइम में हम इससे जो कि अच्छी खासी जो कि ब्रीडिंग भी है वो कर सकते हैं। और बात करें इसमें जो थनों में जो स्पेस, मैं आप लोगों को पास से कवर करके दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं, ये देख सको जो थनों में जो स्पेस मैं आप लोगों को कवर करके दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हो काफ़ी शानदार और काफ़ी जोशीला आर्डर आने वाले टाइम में जो खीस से खाली होकर जब बन के आएगी वो देखने लायक होगी। ठीक है भाई साहब, जो ये है इसकी वो डिटेल्स बताएं। काफ़ी पशुपालक भाई काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थी बाघड़ी भैंसों की, तो आज की वीडियो में आपको दो भैंसे हैं जो कि देखने को मिलेगी। तो भाई साहब इसकी डिटेल्स बताएं। ये जी 1.25 महीने की ब्याई है जी। 1.25 महीने की ब्याई हुई है, ठीक है। 12 लीटर दूध तैयार है जी। 12 लीटर दूध तैयार है, लेकिन अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है जी। अच्छा गैबिन नहीं हुई है? गैबिन नहीं हुई है जी अभी। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मैंने ताजी भैंस लेनी है। हाँ हाँ, इसलिए थोड़ी इनको जी बाखड़ी थोड़ी थोड़ी हो रही है, उनको बेचना चाह रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। इसके नीचे कटड़ी है जी। नीचे कटड़ी है? हाँ जी ठीक है जी। 12 लीटर दूध तैयार है जी। 12 लीटर दूध है, 1.25 महीने की जो की ब्याय हुई बता रहे हैं, और फिलहाल प्रेजेंट में 12 किलो जो की दूध है वो तैयार है। एक सिंह की जो की खोली है वो उतरवा रखी है। हाँ जी। ये देख सकते हो। तो भाई साहब कौन सी लैक्टेशन में है? ये जी थर्ड में है। थर्ड लैक्टेशन हाँ में है। तो क्या कुछ है इसका प्राइस रहेगा बताइए एक बार? इसका प्राइस जी 85,000 रुपए। 85,000 रुपए, मात्र 85,000 में 12 किलो दूध और 1.25 महीने की ब्याई हुई बता रहे हैं। और अभी से जो की गैबिन है वो नहीं हुई है, और हाइट और लेंथ है वो शायद ही किसी किसी जोटे में हमें देखने को मिलती है। और अभी जो चुवाई का टाइम है वो लगभग 1 से 1.5 घंटे का जो कि चुवाई का टाइम है वो बचा हुआ है। और थर्ड लैक्टेशन में इसका दूध निकाल रखा है जी। अच्छा दूध निकाल रखा? हाँ जी ठीक है जी। इसका निकाल दिया था जी। अच्छा दूध वो निकाला हुआ है। हाँ जी। ये देख सकते हो हम एक ऐसे माध्यम मात्र आपको यह बता सकते हैं कि यहाँ ये पशु क्वालिटी वाला पशु है, ये बिक्री के लिए उपलब्ध है, अपनी जांचें और परख के लें। तो भाई साहब इसकी और डिटेल्स बताएं। जो ये मात्र 85,000 रुपये जो कि इसकी कॉस्ट है वो रखी है, इसको डिटेल्स बताएं भाई साहब। ये जी थर्ड लैक्टेशन में, ठीक है, 4 महीने की ब्याई है जी। 4 महीने की ब्याई हुई। हाँ जी हाँ जी। और 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है जी। 2.5 महीने की गैबिन है। गैबिन और 7 किलो दूध है जी। 7 किलो दूध प्रेजेंट में तैयार है। हाँ जी, लेकिन इसके नीचे बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं है? हाँ जी बच्चा नहीं इसके नीचे। ठीक है जी। हाँ जी, साथ में बच्चा नहीं है और थर्ड लैक्टेशन में है, और साथ में जो कि 7 किलो दूध प्रेजेंट में तैयार है। तो गैबिन है वो हो चुकी है कितने महीने की बताई भाई साहब? 2.5 महीने की। 2.5 महीने की जो कि गैबिन है वो है, और अपनी चेक पास करवा के ले सकता है। चेक पास करा के देंगे जी। चेक पास संतुष्ट करके। ठीक है ठीक है। तो ये देख सकते हो काफी ज्यादा, काफी दिनों से काफी पशुपालक भाई हैं, तोक्कड़ भैंसों की काफी ज्यादा डिमांड है वो आजकल हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। और थर्ड लैक्टेशन में जो अडर क्वालिटी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काफी शानदार, और फिलहाल प्रेजेंट में जो कि 7 किलो जो की दूध है वो तैयार है। और भाई साहब प्राइस क्या कुछ रहेगा इसका? 55,000 रुपये। 55,000 रुपये, मात्र 55,000 रुपये में जो गैबिन भी और प्रेजेंट में जो कि दूध है वो दे रही है। और जो नशे आप इसमें देख पा रहे हैं
जो दुधारू पशुधन की जो आप इसमें जो नशे देख पा रहे हैं, जो साफ साफ जो मिल्क वेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो साफ साफ एक दुधारू पशुधन को दर्शाती है, ये देख सकते हो सिंग की बनावट और जो हाइट और लेंथ है वो काफी शानदार है। तो भाई साहब इसका पीक पर क्या कुछ दूध था? इसका पीक पे जिसने दिया था मेरे यहाँ पे 14 किलो दूध। हाँ जी 14 किलो, ठीक है जी 14 किलो दूध। तो भाई साहब बताएं, काफी युवा पशुपालक है आप, काफी सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो जो युवा आजकल इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनसे क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? काम तो बहुत बढ़िया है जी। हाँ जी हाँ, अगर जी। कोई दिल लगा के मेहनत से करे काम बढ़िया है जी। हाँ जी, जी। और 10 रुपये बचते भी हैं, कोई दिल साफ करके काम करेगा तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। कोई वही बांध ले पशु और उसको संभाला नहीं गा, टाइम पे उसका केयर नहीं करेगा, हाँ जी, तो उसमें तो फिर नुकसान ही होगा भाई। हाँ जी हाँ जी, कहीं ना कहीं जो इस फील्ड में जो अपना दूध का काम करता है या फिर कोई सेल परचेज का काम करता है, मैं उनको बताना चाहूँगा, अगर आप अच्छा काम करोगे तो लंबा चलोगे और आपके साथ जो कि ग्राहक है वो भी जुड़ते रहेंगे। ठीक है जी, तो अपना एक बार संपर्क सूत्र बताएं सर। 90 हाँ जी 50 हाँ जी 18 हाँ जी 77 000 000। तो ये सर का संपर्क सूत्र है, अगर आप किसी भी प्रकार की सर से डिटेल्स लेना चाहते हैं तो सर से आप जो कि स्क्रीन पर जो कि नंबर चल रहे हैं आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सर के डेयरी फार्म पर लगभग हर टाइम जो कि 10 से 12 भैंसे जो कि बिक्री के लिए उपलब्ध हर टाइम रहती हैं, आप किसी भी टाइम आके यहां से जो कि भैंसे हैं वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो भाई साहब थोड़ा बहुत बताएं कि ये भैंस किसके लिए सही रहेगी, ब्रीडिंग के लिए या फिर दूध वालों के लिए, बताएं। ब्रीडिंग पर्पस के लिए भी बढ़िया है। हाँ जी हाँ जी, दूध वाले के लिए बढ़िया जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कहने को तो कह देते हैं 26 किलो दूध वैसे नहीं होता भाई। हाँ हाँ, और वो से अपनी किस्मत है जी, दूध और पूत किस्मत के होते हैं। हाँ जी बिल्कुल राइट बात है। लेकिन पूरी डिटेल लेके जब इसको पैसे लगाए जब लेके आए, ठीक है जी, ठीक है भैया, अच्छी पेमेंट देगा। हाँ हाँ, लेगा तो दे देंगे भाई जी। हाँ जी हाँ जी, मेरा दूध का काम है भाई साहब। हाँ जी, मैं दूध बेचता हूँ भाई साहब। हाँ जी, और बढ़िया क्वालिटी का पशु लेके आता हूँ। हाँ जी, किसी को पसंद आ जाए तो जायज रेट पे दे देता हूँ। दे देते हो? हाँ जी, ठीक है जी। तो देख सकते हो काफी युवा पशुपालक, आपको वीडियो में जो डिटेल्स बताई हैं आपको एग्जैक्ट वही डिटेल्स आपको पशुओं में देखने को मिलेगी। और रोहतक जिला वो रोहतक जिला माना जाता है जिसे मुर्रा का गढ़, जो पहले जो मुर्रा की जो शुरुआत हुई थी वो रोहतक ही जिले से हुई थी, और रोहतक जिले से जो कि एक से एक जो नायाब नगीने हर टाइम निकलते रहते हैं। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, वीडियो को हम यहीं विराम वो देना चाहेंगे। आशा करें कि आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी हाईटेक डेयरी फार्म पर या फिर कोई आम फार्मर के घर। तब तक सभी पशुपालक भाइयों को आपके अपने यूट्यूब चैनल साहिल डेयरी फार्म की तरफ से नमस्कार।